पांच मिनट में बताऊंगा टीम लीडर्स लाइन पे है ना सारे यस सर परफेक्ट सब टीम लीडर्स लाइन पे हैं क्लीयर अपने ग्रुप का नंबर बता दें बस सब ग्रुप नंबर फोर फोर टू बाकी के टीम लीडर्स कहाँ फोर मिना हिल ग्रुप थ्री आ गया ओके okay. so, I mean, okay, मेरे पास चैट में आ रहे हैं ठीक है सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड वॉट इज द एक्टिविटी एक्टिविटी बड़ी सिंपल है uh, आम ना है मेरी सर yes, ओके okay, आपने ना पिछले बैच से ना मुझसे लेना या उनसे डायरेक्टली ले लें उन्होंने भी पैडलेट के ऊपर ही बनाए हुए थिंक फाइजा ने बनाए थे और आर नो ओके आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है आपने बेसिक सिनेरियोस प्लॉट करने टीम लीडर से बात कर रहा हूं अपने ग्रुप से सिनेरियोस लें कि लाइफ में ऐसा क्या मामला आपके साथ होता है कि आपकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप हो जाती है और आपके कोर्टर होते हैं और आप वो वाले काम या वो वाली बातें वो वाले रिएक्शन या वाला बिहेवियर शो कर देते हैं बेसिकली बिहेवियरल प्रोफाइल को को मेजर करना आपने कि जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि वट इज द बेस्ट पॉसिबल इमोशनली मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट रिएक्शन टू 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 गिव ठीक है कोई भी वाक्य हो सकता है कोई you know, कोई ऐसा वाक्य किसी की सास बो की लड़ाई किसी के बिजनेस पार्टनरशिप के दौरान ये वाक्य आपने वो सिनेरियो प्लॉट करना है सिंपल फोर लाइन सिनेरियो कि ये वाक्य हुआ और उसके दौरान मुझे नहीं पता कि इसका फाइनेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंट रिएक्शन क्या है ठीक है जो कहता है ओके सो आप काम करें आप तमाम टीम को पिछले ग्रुप के सीनैरियो की ना कोई सी एक दो स्नैपशॉट दे दें उनको पता चल जाएगा फॉर्मेट कैसे फॉलो करना है मुझे रिटर्न में चाहिए होंगे आपने ग्रुप में डिस्कस करना है कि ये सिनेरियो है ओके वंस यू लॉक इन द सिनेरियो उसके आगे एक कॉलम बनाना है आपने क्या कि इस कॉलम के अंदर आपका प्रपोज रिएक्शन क्या था मतलब जो आपने इस लोग से डिस्कस करेंगे ना आप तो फिर आपने देखना है कि इसकी कॉज क्या थी इमोशनल इंटेलिजेंस की कॉज क्यों ये क्यों ड्रॉप हुई है मेरी इमोशनल व्हाट इज द रीजन अभी आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं क्योंकि आई थिंक छठी सातवीं क्लास है या मे बी इवन मोर आई डोंट रिमेंबर योर बैच क्लास नंबर बट उसमें आप लोग अपनी प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं लास्ट टाइम आपने इमोशनल प्रोफाइल का फॉर्म पूरी तरीके से एक्सरे किया है एक्चुअली मैंने आपकी वो रिकॉर्डिंग बैच वन को भी दी है कि आप देख लें आपके फॉर्म्स को आपने री कैसे करना जो आपकी एक्टिविटी नंबर वन थी यस एवरीबॉडी क्लियर सो so, आप इस एक्टिविटी को आपने ग्रुप के लेवल पे डिस्कशन में लाना है मुझे ग्रुप से सिनेरियो